प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। गुरु भाई बना, आज मैं एक करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूं, जो व्रत हर सुहाग ने अपने पति के लंबे आयु के लिए करती है। और जो भी व्रत करती है उस समय कथा अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं और आपको हम कथा सुनाते हैं। गुरु भाई बहना, एक सेठ जी थे और उनका 7 बेटा थे। और 7 बेटा जिसमें 6 का विवाह हो गया था और छोटा बेटा का विवाह नहीं हुआ था। छोटा बेटा जो थे वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और संस्कारी थे और आज्ञाकारी भी थे। उनकी माँ जो थी, माँ को कहना था कि हमें धन नहीं चाहिए, हमें छोटी बहू आज्ञाकारी चाहिए। और एक दिन का बात है कि उनका छोटा बेटा कोई काम में जा रहे थे और एक कन्या उनके माता पिता जो थे अंधा अंधी थे। और उनका एक कन्या थी, वो कन्या शिव के मंदिर में पूजा कर रही थी और सेठ जी का बेटा का नजर पड़ा तो सोचते हैं कि अरे ये मंदिर में इतना कोयल सी मीठी बोली आवाज, कितना सुंदर सुरीली आवाज है, कौन ऐसे भजन कर रहे हैं। और सेठ जी का छोटा बेटा वहां पे रुक गए। जब वो लड़की निकली पूजा करके तो उसका रूप सूरत देखकर मोहित हो गए और घर में जाकर अपने माता पिता से बोले कि पिताजी, मुझे उस लड़की का उससे विवाह करना है जिसका माता और पिता के सिवा और कुछ भी नहीं है। उसके माता पिता बोले, ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो वैसा ही हम करेंगे। और उसके माता पिता उनके घर चले गए अपने बेटा के रिश्ता के लिए और उनसे जाकर बोले कि अपना कन्या का विवाह मेरा बेटा से कर दीजिए। अंधा अंधी कहते हैं कि मैं तो एक अंधा हूं और क्या आप मेरे बेटी को स्वीकारेंगे। सेठ जी बोले, हाँ आपका बेटी से अवश्य अपने बेटा का विवाह कर देंगे, क्या दिक्कत है। बोले कि ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी जैसा घराना में मेरा बेटी का विवाह हो जाएगा। और हाँ कह दिए सेठ जी अपने छोटे बेटे का विवाह उस कन्या से कर दिए। करने के लिए तैयार हो गए जिनके माता पिता अंधा अंधी थे और उनका नहीं भाई और नहीं बहन था, सिर्फ वो अकेली थी। सेठ जी बड़े धूमधाम से उसके साथ अपने बेटी बेटा को विवाह कर दिए और विवाह करके ले आए। बेटी के आने के बाद कुछ ही दिन बीता कि अंधा अंधी इस दुनिया से चल बसे थे। और बेचारी सेठ जी का छोटी बहू का तो कोई सहारा नहीं रहे मायका में, सिर्फ उनका ससुराल का परिवार ही रहे। और उनका 6 जो जेठानी थी, 6 जेठानी बहुत दुख देने लगी, सब कोई ताना मारते और सारा काम घर का इसी पे छोड़ देते। कोई भी इसको बात को नहीं सुनते। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने पर करवा चौथ व्रत आया। और जब करवा चौथ व्रत आया तो सेठानी बोली, उनका भी मन बदल गया। वो कहती है, मेरा 6 बहुओं का तो मायका से वस्त्र आता है,
और श्रृंगार आता है, मेरे लिए बायने आता है, लेकिन छोटी बहू का तो मायका से कुछ भी नहीं आता है। इसका मायका तो है ही नहीं, इसका तो कोई भाई है ही नहीं, तो कौन इसका मायका से लेकर मेरे लिए आएगा? गुरु भाई बहना, छोटी बहू कभी कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप अपने आंखों से आंसू गिराती थी और अपने भीतर ही भीतर हर दुख को सहती थी। लेकिन जिस दिन माता चौथ का पूजा था, करवा चौथ, तो उसी दिन उसके सास ने अपने बहू को बहुत गालियां दी। गुरु भाई बहना, जो करवा चौथ व्रत है वो कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चौथ के दिन ये व्रत रखी जाती है और सुहागने ये व्रत करती है। तो वो जो छोटी बहू थी वो क्या की कि घर से रोते रोते और दूर चली गई। एक सुंदर सा वहाँ पर ब्रिज था और उसी ब्रिज के नीचे बैठकर वो रोने लगी, अपना आंखों से आंसू गिराने लगी और वो कहती है कि हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था किसको जो मुझे कोई भाई बहन नहीं दिया? यदि मेरा भाई बहन रहता तो मेरा आस पूरा करता, आज मेरा कोई भाई बहन नहीं है, मेरा आस पूरा करने वाला तो कोई नहीं। गुरु भाई बहना, ओ बेचारी भगवान से अपना दुख की बातें सुना रही है, दुख भरी बातें भगवान से कह रही है, उसका भगवान पुकार सुन लिए। एक नागराज उसके सामने आए और कहने लगे, तुम कौन हो और इस ब्रिज के पास बैठकर तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू कहती है, क्या कहूं नाग भैया, मैं बिना भाई बहन बिना माता पिता के अभागन सेठानी का छोटी बहू हूं। मेरे पति 7 भाई हैं, मेरे 6 जेठानियां का भाई हैं और सब कोई सुंदर सुंदर वस्त्र लेकर आते हैं। आज करवा चौथ व्रत है, सबके मायका से सब कुछ आ गया है, लेकिन मेरा मायका तो है ही नहीं, इसीलिए मैं यहां पर आकर आंसू गिरा रहा हूं। नागराज बोले, बहन, आज से तू मेरा धर्म का बहन हो और मैं तुम्हारा भाई हूं, क्या तू मेरा बहन बन सकती हो? बेचारी सेठानी का छोटी बहू बोली, हाँ भैया, आपका बहन हम बन सकते हैं। तो बोले, ठीक है, मेरा बात मानती हो तो जाओ घर और प्रेम पूर्वक तू पूजा करना चौथ माता के। सेठानी का बहू घर लौटकर चली गई और नागराज क्या किए कि अपने माता के पास गए और जाकर अपने माता से कहते हैं कि हे माता, मेरा एक मुंह बोली बहन है, वो व्रत में है और उसके लिए मुझे वस्त्र ले जाना है, श्रृंगार ले जाना है, करवा ले जाना है, तुम मुझे दोगी? नागरानी बोली, हाँ बेटा, मुंह बोली बहन तो धर्म का बहन होती है, कोई बात नहीं, ले जाना। नागरानी ने 16 श्रृंगार और गहने, वस्त्र, मिठाइयाँ सब कुछ दे दिए और नागराज सेठानी सेठ जी के घर पहुँच गए लेकर और जाकर आवाज़ देने लगे, दीदी दीदी, मैं लेकर आ गया हूँ, खोलो दरवाज़ा। उसके सास दौड़ी दौड़ी निकली और दरवाज़ा खोली तो बड़े बड़े हाथ में थैले देखकर वो चौंक रह गई, चौंकने रह गई और कहती है,
कि तुम कौन हो और इतने बड़े बड़े थैले लेकर आए हो। पांव छूकर कहता है कि माँ पहचाने नहीं, आपका छोटे बहू का मैं भाई हूं। ये जो सेठानी थी वो कहती है कि हे पुत्र, मुझे नहीं पता था कि तू मेरा बहू का भाई हो, इतना दिन से तो कोई नहीं आया। बोले मैं परदेश चला गया था। छोटी बहू निकली और कहती है मन ही मन कि मैं तो भैया का पहचानता ही नहीं, लेकिन फिर भी आदर भाव से अंदर ले गया और बिछावन लगा के और प्रेम पूर्वक उसे बैठा दिया और बैठाकर और बोला कि ठीक है बैठो, नाश्ता पानी दिया, थैला धरा दिया अपने बहन के हाथ में, बहन सास के दे दिया। सास थैला खोली तो देखती है कि 16 सिंगार बत्तीस अपरन तरह तरह के मिठाई और सबका उसमें 6 जेठानियां और 1 सास और अपना बहन, उसमें पूरे 8 साड़ी भरा हुआ है, 8 किस्म का 8 का अलग अलग श्रृंगार भरा हुआ है, मिठाइयाँ हर एक प्रकार के हैं, गहने हैं। सास तो देखकर भौचक्के रह गई और कहने लगी अरे इतना तो आज तक किसी का मैके से नहीं आया था, लेकिन मेरा छोटे बहू के मैके से आया है। और प्रेम पूर्वक सबको साड़ी दे दी और अपने भी रख ली, एक छोटी बहू का भी दे दी और छोटी बहू का ज़्यादा मान सम्मान देने लगी। गुरु भाई बहना जो सेठ जी का छोटी बहू थी, प्रेम पूर्वक चौथ माता के पूजा की और अपने पति का पूजा की और पूजा करके रात्रि में मुझ उठाई, व्रत खोली, सवेरा हुआ तो नाग भाई बोला माता जी मैं अपने बहन को घर ले जाना चाहता हूँ, क्या मेरे घर आप मेरे बहन को जाने दीजिएगा। सेठानी बोली हाँ बेटा ले जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद मेरे बहू को घर तक छोड़ आना। बोले ठीक है, मैं अपना बहन को आपके घर तक अवश्य छोड़ आएंगे। गुरु भाई बहना ये जो सेठ जी का छोटी बहू थी अपना मायका चली गई और उसी ब्रिज के पास डोली रखा गया, कहार घूर गया, लौट आया और नाग बोला जो नाग था ओ वहाँ जाकर एक नाग रूप हो गया और बोला बहन तू मुझे पहचाना। बोले नहीं भैया, बहन मैंने मुंह बोली भाई बना था और तू बहन, मैं वही नाग हूँ। बेचारी मुस्कुराते हुए कहती है भैया कोई बात नहीं, मैं अब पहचान गया, बहन आगे से मैं चलता हूँ, पीछे से पोछ पकड़ लेना। और पीछे से बेचारी सेठानी का छोटी बहू पकड़ ली पोछ और उसी बिल में जब अंदर गई तो बहुत बड़ा महल है। नाग लोग पहुँच गई जो नागराज का माता पिता थे, बहुत प्यार किए, बहुत मान्यता दिए और इधर उधर चले जाते थे तो ये इसे बोले कि देखो बेटी मैं इधर उधर चला जाता हूँ अपने भूखे प्यासे प्यास बुझाने के लिए, भूख मिटाने के लिए, और तुम्हारे भाई के भोजन लाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि एक नाद रखा हुआ है इसे उलटना मत। बोले अच्छा माँ, नहीं उलटेंगे। लेकिन इसको मन चारों तरफ घूमती थी सेठानी का बहू, एक दिन मन में ख्याल आया कि रे इसके अंदर है क्या, सोना चांदी गहने हीरे जबरात क्या रखा हुआ है, इसे देख तो सकते हैं, और उलट के देखने लगी। जब उलट के देखने लगी तो देखती है कि उसमें तो सांप का पिल्ला है, छोटे छोटे। गुरु भाई बहना एक सर्प का पोछ कट गया, एक इसको आवाज आहट सुनाई पड़ा, नाग नागिन आ रहे थे और आवाज सुनकर जल्दी से नाद गिरा दी
जो सर्प का पोछ कट गया। आज सर्प का पोछ करते ही दर्द से पीड़ित हो गया वो सर्प। उसकी माँ आई नाग नागिन, बेटी को मुंह सुखा देकर कहती है कि अरे क्या हुआ बताई माँ, मैं क्या कहूँ, आज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। मैंने आपका अपना भाई का पोस्ट तो गलती से काट दिया हूँ। बोले देखो चिंता मत करो बेटी, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे का हम समझा लेंगे। इसे विदा कर दिया नाग नागिन ने, दोनों वस्त्र देकर बहुत सारा उपहार दिए और विदा कर दिए। उसका जो बच्चा था जिसका पोछ कटा था, उसे सारा नाग बंडा बंडा भैया बंडा भैया करके चिल्लाने लगा। जहाँ भी जाता उसे पोछ कटा था तो लोग कोई सर्प उसे पोछ कटा कहता, कोई सर्प उसे बंडा कहता, कोई उसे डुंडा कहता। गुरु भाई बहना सारा लोग उसे चिढ़ाते थे सर्प को, वो सर्प किसी के सामने नहीं जाने को सोचता था। एक दिन उसे गुस्सा आया, से अपने माँ से बोला, माँ मुझे सारा लोग बंडा बंडा कहते हैं, इसका बदला तो अवश्य लेंगे, हम उसे जाकर डांस लेंगे। नागरानी बोली, हे पुत्र ऐसा मत करना, अपना सगा भाई से भी ज्यादा तुम लोगों से प्यार करती है। लेकिन वो सर्प नहीं माना और डांसने को लिए चल दिया। जब डांसने को लिए चल दिया, उस समय बहन जो थी, बहन अपने सखी के साथ बात कर रही थी और बात करते करते एक दूसरे से बात कर रही थी, तो कह रही थी, बहन तुम्हें कौन भैया ज़्यादा मानते हैं, तुम्हें कौन भैया ज़्यादा मानते हैं। तो किसी ने बताया कि मेरे बड़े भाई, किसी ने बोला छोटे भाई, किसी ने बोला बिचवा वाला भाई, ऐसे करके सारा लोग बता रहे थे। लेकिन सेठ जी का जो छोटी बहू थी, वो कहती है कि क्या कहूँ बहन, मुझे तो सबसे ज़्यादा बंडा भैया प्यार करते हैं, मुझे सबसे अच्छा बंडा भैया लगते हैं, क्या करूँ। मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ, प्रतिदिन मंदिर जाती हूँ और भगवान से ही कहती हूँ कि हे भगवान, मेरे ही कारण मेरा भैया का पोछ कटा, यदि मेरा उंगली कट जाता और भैया का पोछ में लग जाता तो मुझे एक उंगली कम रहता, लेकिन भैया मेरा पोछ कटा नहीं रहता, बंडा नहीं रहता। हे भगवान मेरा भैया का कब पोछ हो जाए। गुरु भाई बहना इतना सुनते ही जो सर्प था, सर्प एक सुंदर बालक का रूप धर लिया और उसके घर गया और दीदी का के और उसे चरण छूकर प्रणाम किया और बोला, दीदी तुम्हें फिर से मेरी माँ बुलाई है, क्या अपना मायके नहीं चलोगी। एक कहती है कि कोई बात नहीं भैया, करवा चौथ व्रत आएगा तो फिर से तुम मुझे लेने आ जाना, हम आ जाएंगे, और कोई बात नहीं हम अमावस्या आएंगे। जो भी उपहार इसके पास था वो बहन को दे दिया एक अंगूठी और बोला, बहन ये अंगूठी तू जहाँ रखेगी बोलेगी, हे मेरा नाग भाई का अंगूठी, मेरे लिए ये चीज हो जाए तो तुम्हारा अन्न धन सोना चांदी सब कुछ हो जाएगा बहन, चिंता मत करो, और जब भी मेरा याद आएगा तो मेरा याद कर लेना इसी अंगूठी के सहारे। गुरु भाई बहना अंगूठी देकर भाई लौट गया और अपने माँ के पास हंसते हंसते चला गया। माँ बोला, बेटा क्या अपने बहन को डांस लिया। नाग बोलता है जो बंडा था, माँ मेरा पहले पूछ देखो। उसका पूछ तो गुरु भाई बहना उतना दूर पता ही नहीं चला कि कटा हुआ था, सुंदर पोछ हो गया था। बोला, सबसे प्यारी बहन वो मेरी बहन है जो कि दूसरों से बात करती है कि मेरा वो बंडा भैया सबसे प्यारा भैया है। माँ ओ मेरा कोई मुंह बोली बहन नहीं, वो सगी बहन है, आ मेरा ही बहन है माँ, मैं कभी भी उसे डांस नहीं सकते, उसे तो अपने बहन की तरह हम हर बार अपना घर लाएंगे, हर व्रत में लाएंगे, हर परब में लाएंगे और उसका हर खुशियां हम पूरा करेंगे। माँ ओ तो सती है। गुरु भाई बहना माता इतना बात सुनकर नागरानी बड़ी प्रसन्न हो गई और खुश हो गई
और अपने बेटे को धन्यवाद की और बोली, जुग जुग जियो मेरा लाल। तुम्हें कभी किसी का कोई प्रकार का कोई संकट नहीं आए, कोई मनुष्य तुम पे वार नहीं करे। तो गुरु भाई बहना, सेठानी का बहू जो थी बिना भाई और बहन का थी, लेकिन नागराज उसे श्रद्धा भक्ति पूरा किए। हे महादेव, हे भोले दानी, हे चौथ माता, जैसे सेठानी का बहू थी और उसकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरा किए, उसी प्रकार सबका हर मनोकामना पूरा कीजिए और हर खुशिया गोद में भर दीजिए। जय चौथ माता, जय महादेव, जय मैया पार्वती गणपति। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय।